शहर हो या फिर गांव, हर जगह एटीएम लगा दिए गए हैं, लेकिन एक समस्या बहुत जबरदस्त है। एटीएम तो खूब सारे हैं, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि सभी मशीनों में पैसे नहीं होते। अब ऐसे में एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर लगाते रहिए अगर कैश निकालना है तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बैंकों के एटीएम में अगर पैसे नहीं है तो बैंक को दिक्कत हो सकती है। एटीएम दर एटीएम भटकने वाले लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आरबीआई ने एक रास्ता निकाला है। अब एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंक पर पेनल्टी लगेगी। एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा तक एटीएम में अगर कैश ना हो तो जुर्माना देना पड़ेगा। जिस बैंक का एटीएम होगा उसी बैंक पर पेनल्टी लगाई जाएगी। 10,000 रुपए प्रति खाली एटीएम के हिसाब से पेनल्टी होगी। 1 अक्टूबर 2021 से ये नियम लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 अक्टूबर के बाद से हालात थोड़े सुधर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अब एटीएम में कैश की उपलब्धता को लेकर हर महीने आरबीआई को रिपोर्ट देनी होगी। हर महीने की 5 तारीख को रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर बैंक से जुर्माना लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अब 1 अक्टूबर के बाद जो एटीएम खाली पड़े रहते थे उनमें कैश मिलेगा। दरअसल आरबीआई की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि एटीएम में कैश न रहने पर बैंक को पेनल्टी देने की योजना बनाई जा रही है ताकि एटीएम में पर्याप्त कैश रहे। निर्णय लिया गया है कि बैंक या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी के लिए अपने सिस्टम को मजबूत करेंगे और कैश आउट से बचने के लिए समय पर फिर से कैश उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में उस बैंक से जुर्माना लगाया जाएगा जो उस विशेष व्हाइट लेबल एटीएम की नकदी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। बैंक अपने विवेक पर व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से जुर्माना वसूल सकता है। दरअसल ये देखा गया है कि देश में एटीएम तो खूब सारे हैं, लेकिन सभी एटीएम में कैश की उपलब्धता होती नहीं है, जिससे कि परेशानी बढ़ जाती है। बात करें अगर देश की तो अलग अलग बैंकों के कुल 213,766 एटीएम हैं और एटीएम का संचालन दो तरीके से होता है। कई एटीएम को खुद बैंक चलाते हैं और कुछ एटीएम का संचालन थर्ड पार्टी यानी व्हाइट लेबल ऑपरेटर के जिम्मे है। अगर एटीएम का संचालन थर्ड पार्टी ऑपरेटर करता है तब भी एटीएम में पैसे न होने पर पेनल्टी बैंक से ही वसूली जाएगी। बैंक पेनल्टी स्वरूप वसूली गई राशि को व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से वसूल सकता है। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।